गाइज स्वागत है आप सभी का हमारा आपके चैनल भाईजान गेमर में। सो गाइज तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ड्रैग हेडशॉट मारने का टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। जिस टिप्स एंड ट्रिक्स को गाइज अगर आप लोग फॉलो करते हो ना तो आपका ड्रैग हेडशॉट 99% परफेक्ट लगेगा। और गाइज कुछ ऐसी गलतियां होती है जिसको आप लोग बार बार करते हो जिसकी वजह से आपका जो ड्रैग हेडशॉट नहीं लगता। और गाइज अगर आप लोग इस गलतियों को सुधार लेते हो ना तो गाइज एक तरह से कह सकते हो कि आपका जो ड्रैग हेडशॉट है ना वो मतलब एक ऑटो हेडशॉट होता है ना उस टाइप से लगेगा। मतलब आप ड्रैग करोगे और आपका परफेक्ट ड्रैग हेडशॉट लगेगा। और गाइज सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा गाइज मैंने कितने सारे ड्रैग हेडशॉट मारे। और गाइज जितने भी मैंने ड्रैग हेडशॉट मारे ना वो सारे परफेक्ट लगे। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक बार में मैंने मारा तो दूसरा बार में फिर मुझे मारना पड़ा, एक बार में ही मैंने मार दिया। मतलब जैसे मैंने यहां पर ड्रैग हेडशॉट मारा और मेरा जो ड्रैग हेडशॉट है ना वो मेरा परफेक्ट लग रहा था। और मैं हर मैच में परफेक्ट ड्रैग हेडशॉट मारता हूं, मेरा हेडशॉट रेट भी काफी ज्यादा है। तो गाइज अगर आप लोग ड्रैग हेडशॉट मारना चाहते हो तो गाइज आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गाइज आप लोग ट्रेनिंग रूम में जाते हो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए। तो वहां पर क्या होता है गाइज आपका जो ड्रैग हेडशॉट है ना वो परफेक्ट लगता है, लेकिन गाइज आप लोग जब मैच में जाते हो ना तो वहां पर आपका ड्रैग हेडशॉट नहीं लगता। अभी उसमें क्या मतलब गलतियां होती है, क्या चीज होता है कि आपका ट्रेनिंग रूम में तो लगता है बट गाइज आपका मैच में नहीं लगता है। तो गाइज ट्रेनिंग रूम डिफरेंट होता है, मैच डिफरेंट होता है। ट्रेनिंग रूम में क्या होता है बंदा डायरेक्ट खड़ा रहता है, वो मतलब डायरेक्ट वहां पर ड्रैग करेगा, लेकिन जो मैच होता है ना उसमें क्या होता है कि बंदा मूवमेंट करता रहता है, इधर से उधर करता रहता है। और गाइज आप क्या करते हो जो ड्रैग हेडशॉट मारते हो डायरेक्ट मारते हो। तो गाइज यहां पर मैं वो सारे गलतियां आप लोग को बताने वाला हूं जो कि आप लोग हर मैच में करते हो जिसकी वजह से आपका ड्रैग हेडशॉट नहीं लगता। और गाइज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो गाइज आप एक तरह से 99% आपका ड्रैग हेडशॉट लगने लगेगा। अगर आपको ड्रैग हेडशॉट मारने नहीं आता ना तो आप लोग आसानी से सीख सकते हो, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो गाइज बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल के घंटी को दबा दीजिएगा एंड गाइज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज तो सबसे फर्स्ट टिप्स ये कि गाइज जब भी आप लोग ड्रैग हेडशॉट मारने जाओगे ना तो गाइज आपका जो सेंसिटिविटी है उसको हाई रखना है। जैसे कि गाइज मेरा जनरल 100 है, रेड डॉट 100 है, और गाइज अगर आप इसको 0-0 रखते हो ना या 10 या 20 या कम रखते हो तो गाइज आपका ड्रैग ना पूरा ड्रैग नहीं होगा और गाइज थोड़ा सा ड्रैग होगा एंड बहुत स्लो काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा 0-0 है और मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर कितना ड्रैग हो रहा है, बहुत कम ड्रैग हो रहा है और गाइज बहुत स्लो ड्रैग हो रहा है। इसीलिए गाइज मैंने बोला कि अपना सेंसिटिविटी ना उसको हाई रखना है तभी गाइज आपका परफेक्ट यहाँ पर ड्रैग हेडशॉट लगेगा। और गाइज अभी देखो यहां पर मैं इसको फिर से यहां पर 100-100 कर देता हूं, यहां पर मैंने हाई कर दिया। अभी देखो अब मैं जब ड्रैग मारूंगा ना तो गाइज मेरा जो ड्रैग है ना ये पूरा ड्रैग होगा। देखो अब मैं यहां पर ड्रैग मारने वाला हूं तो गाइज यहां पर देखो कितना मेरा ड्रैग हो रहा है, पूरा ड्रैग हो रहा है और गाइज कितना फास्ट ड्रैग हो रहा है। तो गाइज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये चीज आप लोग को ध्यान रखना होगा, अपना जो सेंसिटिविटी है ना उसको आपको हाई रखना है। एंड गाइज उसके बाद जो सेकंड टिप्स है ना इसमें क्या है कि मैंने एक इनेमी को मारा, ये जो क्लिप है ना गाइज देखो जैसे यहां पर रेड डॉट होता है, जैसे मेरा एम यहां पर रेड
डेड आउट हुआ एंड गाइज इसको मैंने यहाँ पर हेडशॉट मार दिया। और गाइज जो फर्स्ट टाइम मैं मारता हूँ ना तो गाइज उसमें ना मेरा यहाँ पर ड्रैग परफेक्ट नहीं लगता। देखो यहाँ पर मैंने मारा, मेरा एम लॉक हो गया और यहाँ पर मेरा जो गोली ना रिकॉइल कर गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मूवमेंट किया और उसके बाद मारा। तो गाइज अगर आपका एम लॉक हो जाता है तो आपको मूवमेंट करना है एंड गाइज उसके बाद आपको ड्रैग मारना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और ड्रैग हेडशॉट मारने के समय आपको मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड गाइज उसके बाद जो थर्ड यहाँ पर टिप्स है ना गाइज, इसके लिए आपको क्या करना, देखो ये चीज ना मतलब देखो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये अगर आप करोगे ना तो आपके लिए बेस्ट होगा। देखो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, आपको कंट्रोल में जाना है और गाइज आपका जो फायर बटन है ना, फायर बटन इसको बहुत लोग क्या करते हैं कि ऊपर की ओर रखते हैं। और गाइज जब आप ऊपर रखोगे ना, जैसे कि यहाँ पर मैं ऊपर रखता हूँ, जैसे कि गाइज यहाँ पर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ एंड गाइज जब भी आप लोग इसको ऊपर करके ड्रैग करते हो ना तो गाइज आपका जो स्क्रीन है ना ये छोटा पड़ जाता है, मतलब ड्रैग करोगे और बहुत यहाँ पर कम स्पेस मिलता है जिस वजह से गाइज आप लोग पूरा पूरा ड्रैग नहीं कर सकते हो। बट गाइज अगर आप अपने फायर बटन को नीचे रखोगे ना तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा, मतलब अगर देखो यहाँ पर देखो कितना छोटा स्क्रीन हो गया और गाइज अगर आप इसको नीचे रख दोगे ना तो देखो अभी कितना बड़ा स्क्रीन हो गया, ठीक है बहुत बड़ा स्क्रीन हो गया और आप इतना ज़्यादा ड्रैग कर सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है। तो गाइज अगर आप नीचे रखते हो फायर बटन को, हालांकि गाइज जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना उसका आप लोग देख लेना, सेटिंग देख लेना गाइज, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर वो अपने फायर बटन को नीचे रखते हैं ताकि गाइज यहाँ पर बहुत दूर तक यहाँ पर ड्रैग कर सके। तो गाइज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीज़ ना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर टिप्स है ना, ये चीज़ मैं आप लोग को मतलब बोल देता हूँ, ठीक है गाइज जब भी आप लोग किसी इनिमी को ड्रैग करते हो ना तो मैं बहुत बंदा का देखता हूँ कि गाइज अगर इनिमी लेफ्ट में भाग रहा है तो बंदा क्या करता है, सीधा ड्रैग करता है, स्ट्रेट ड्रैग करता है, जिस वजह से गाइज आपका ड्रैग ना आपका जो गोली ना वो रिक्वायर कर जाता है और आपका ड्रैग हेडशॉट नहीं लगता है। तो गाइज जब भी अगर लेफ्ट में अगर बंदा भाग रहा है तो आपको जो ड्रैग करना है ना वो लेफ्ट में करना है, आपका जो मतलब आप जब उंगली से आप ड्रैग करते हो ना तो गाइज वो जो उंगली का सिंबल हो ना वो आपका लेफ्ट की ओर जाना चाहिए ताकि गाइज जो बंदा लेफ्ट में भाग रहा है ना तो उसको परफेक्ट ड्रैग हेडशॉट लग सके। और गाइज बहुत लोग क्या करते हैं सीधा सीधा ड्रैग कर रहा है, तो गाइज अगर वो राइट में भाग रहा है तो आपको राइट में ड्रैग करना है, सीधा नहीं करना है, सीधा करोगे तो गाइज आपका रिक्वायर कर जाएगा, ठीक है आपका मतलब ड्रैग नहीं लगेगा और रिक्वायर कर जाएगा। और गाइज अगर आप जिस तरफ बंदा भाग रहा है ना उस तरफ करोगे ना तो आपको यहाँ पर परफेक्ट ड्रैग हेडशॉट लगेगा। तो गाइज ये चार पांच टिप्स है जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हो ना तो गाइज आपका परफेक्ट यहाँ पर ड्रैग हेडशॉट लगने लगेगा और गाइज आप परफेक्ट ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। और गाइज आप लोगों ने क्लिप में देखा हो मैंने कितने सारे ड्रैग हेडशॉट मारे, तो गाइज अगर आप लोग भी ड्रैग हेडशॉट मारना चाहते हो तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो तो आप लोग यहाँ पर परफेक्ट ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। तो गाइज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए वो कैसा लगा। और अगर आप लोग मतलब सपोर्ट करोगे, अगर आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार दोगे ना, लाइक करोगे वीडियो को और सब्सक्राइब करते हो तो गाइज मैं और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे कि वन शॉट टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद करते हैं कि गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड गाइज जितने भी दोस्त लोग हैं ना सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।